दोस्तों आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष मिशन में जो सबसे बड़े अकस्मात होते हैं वो पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटने के दौरान ही होते हैं। अंतरिक्ष में गया हुआ सफल से सफल मिशन भी तभी सफल माना जाता है जब वो पृथ्वी पर वापस लौट आए। कोई अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत बच पाएगा या नहीं, इसे तय करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद के कुछ चंद मिनट्स। तो दोस्तों ऐसा तो क्या है पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे सफल मिशन को एंटर होने के बाद फेल करने की क्षमता रखता है। चले जानते हैं इस बात को द नॉलेज के आज के इस वीडियो में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। जब अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या अंतरिक्ष से अपना मिशन परिपूर्ण कर वापस पृथ्वी पर आ रहे होते हैं, उस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों या उनके स्पेसक्राफ्ट को दो चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है अतिशय मात्रा में पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी अतिशय मात्रा में गति यानी कि एक्सट्रीम स्पीड। चले दोस्तों इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो कि आप अभी एक खड़े हुए बाइक के ऊपर बैठे हुए हो तो क्या आपको हवा महसूस होगी? जी नहीं। लेकिन जब आप रफ्तार से चलते हुए बाइक पर बैठे होंगे तब आपको हवा महसूस होगी ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क करने वाली बात यह है कि बाहरी वातावरण में तो अभी छोटा सा भी बदलाव नहीं आया है, आप उसी रोड पे उसी एटमॉस्फेयर के बीच हो, लेकिन जब आप बैठे थे तो आपको हवा महसूस नहीं हुई, पर जब आप बाइक पे चलने लगे तो आपको हवा महसूस होने लगी, और जब आप और ज्यादा रफ्तार से चलोगे तो आपको और ज्यादा हवा का अवरोध झेलना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों हवा का एक द्रव्यमान होता है और हवा के अंदर भी कई सारे गैसेस मौजूद होते हैं, और इस गैसेस के अणु यानी कि उनके रेणु हवा में होते हैं, और जब हम खड़े रहते हैं तब तो हमें हवा में मौजूद इस गैसेस के अणु महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारी स्पीड बढ़ती है ये अणु हमारे शरीर से टकराने लगते हैं और हमारा शरीर उसे साइड में फेंक देता है, इसलिए हमें हवा महसूस होती है। अब पृथ्वी पर तो हम बाइक पर या कार में बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 80, 100, 120 या 140 मान लो, या कोई बंद बॉडी की बुलेट ट्रेन है तो 400 मान लो, या हवाई जहाज है तो 700 किलोमीटर पर आवर मान लो। लेकिन दोस्तों समस्या तब खड़ी होती है जब हम आवाज की गति के बराबर या उसके पार चले जाए, यानी कि प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब हम सुपरसोनिक स्पीड से चलने लगे। अब ये सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? तो दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड यानी कि ऐसी कोई भी स्पीड जो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो। साउंड या आवाज की गति पृथ्वी के वातावरण के वेरियस फैक्टर पर डिपेंडेड रहती है, लेकिन सी लेवल पर आम टेम्परेचर में यानी कि इन जनरल आम तौर पर साउंड की स्पीड 1236 किलोमीटर पर आवर होती है, और कोई भी चीज अगर इस स्पीड से ज्यादा तेजी से गति करे तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अब दोस्तों अंतरिक्ष में शून्य अवकाश में घूमने वाले स्पेसक्राफ्ट बहुत ही फास्ट गति से यात्रा करते हैं, और ये अंतरिक्ष यान जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो अपनी गति घटा देता है, लेकिन स्लो डाउन हुई स्पीड के बावजूद भी उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड क्या होती है पता है दोस्तों आपको? तो वो होती है 25 मैच यानी कि आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा। जी हाँ, सुपरसोनिक स्पीड से भी 25 टाइम्स हायर। और इस स्पीड से यात्रा करने वाला कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के परमाणुओं के साथ टकराता है तब हवा के उस अणुओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो धक्के से साइड में चले जाए या आसपास हो जाए। इस स्पीड पर हवा के अणुओं को साइड होने का समय ही नहीं मिल पाता, और इवेंचुअली होता यह है कि वो हायर स्पीड पे आने वाला पदार्थ हवा में मौजूद अणुओं को तोड़ देता है, और ऐसे एक साथ बहुत सारे हवा के अणु जब टूटते हैं तब वो अणु ऊर्जा में बदल जाते हैं। जी हाँ, ये पार्टिकल्स तब एनर्जी का रूप ले लेते हैं और वो आग और चमक पैदा करते हैं जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत सिर्फ प्लाज्मा की नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष में से आने वाला वो पदार्थ या यूं कहें कि वो स्पेसक्राफ्ट हवा को ही कॉम्प्रेस कर देता है, और यहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा होती है।
और इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवाने वाले स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल और उसका बाहरी आवरण ऐसे बनाया जाता है जिससे वो बाहर से भले ही भस्मीभूत हो जाए लेकिन कैप्सूल के अंदर सब कुछ सही सलामत रख पाए। यहाँ पर दोस्तों वापस आने पर दूसरी एक दिक्कत है जिसे एंट्री ऑफ एंगल कहते हैं, मतलब कि स्पेसक्राफ्ट के प्रवेश का अगर कोण थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही स्पीड के कारण उबड़ खाबड़ रास्तों की तरह उछल कूदने लगेगा और वो वापस स्पेस में चला जाएगा और ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगेगा, मतलब कि वो वापस ही नहीं आ पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप बहुत स्पीड से तालाब में जब पत्थर मारोगे तो वो पानी के अंदर नहीं चला जाएगा लेकिन पानी की सतह पर उछलता रहेगा। और अब हम एंट्री ऑफ एंगल को कम रखें, यानी कि इस परिस्थिति में स्पीड को बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ेगी और अगर एंटर होते वक्त स्पीड को बहुत ज्यादा रखेंगे तो दो परिस्थिति का सर्जन होगा। एक तो ये कि कैप्सूल की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि घर्षण के कारण पैदा होने वाली प्रचंड गर्मी से वो बाहरी आवरण को भी बचा नहीं पाएगा और पूरा स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरी समस्या ये होगी कि इतनी खतरनाक स्पीड पर धरती पर लैंड करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और स्पेसक्राफ्ट स्पीड से धरती के साथ टकरा जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसीलिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त सही कोण से कम स्पीड करके स्पेसक्राफ्ट को एंटर किया जाता है। हालांकि ये कम स्पीड भी जैसे मैंने आगे बताया सुपरसोनिक स्पीड से 25 टाइम्स ज्यादा होगी। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दे की बात, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर होता है और जब हवा के रेणुओं के टकराने से घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा होती है इस गर्मी की वजह से कुछ मिनटों तक स्पेसक्राफ्ट का संपर्क पृथ्वी की सतही स्टेशन से टूट जाता है और ये वो समय है जब अंतरिक्ष यात्री या सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है और इस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और अब ऐसी परिस्थिति में कैप्सूल में से एक पैराशूट निकलता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले आने वाले कैप्सूल की स्पीड को बहुत हद तक घटा देता है और एस्ट्रोनॉट्स को इस कैप्सूल में से उस पैराशूट को निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिल पाता है, अर्थात आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से आने वाली अंतरिक्ष की किसी चीज की गति को इतना कम कर देना कि वो धरती की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान पिक्चर में आता है जी फोर्स। अब दोस्तों आपका सवाल हो सकता है कि ये जी फोर्स क्या है, तो दोस्तों जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक एक्सेलरेशन का मेजरमेंट है, यानी कि किसी बड़े अवकाशीय ऑब्जेक्ट का किसी छोटी चीज पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे जी फोर्स कहते हैं। कोई अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में है शून्य ग्रेविटी में तो वहां पर जीरो जी फोर्स होगा, लेकिन जब आप किसी ग्रह या लघु ग्रह पे चले जाओगे तो उस ग्रह या लघु ग्रह का आपको जी फोर्स लगेगा। दोस्तों आप अभी इसी वक्त कहीं पर भी बैठे होंगे या खड़े होंगे आप पर जी फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा तो 1G। अब मानो कि आप किसी लिफ्ट से नीचे आ रहे हो तो आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा और ये एलिवेटर ये लिफ्ट जब रुकने वाली होगी तब आपको उसी वक्त भारीपन महसूस होगा, बस यही है जी फोर्स। ये जी फोर्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने के दौरान भी लगता है और वापस आने के दौरान भी, यानी कि ये जी फोर्स हमारे रोजमर्रा के नॉर्मल जी फोर्स 1G से जब घटेगा तब भी हमें महसूस होगा और बढ़ेगा तब भी। और एक इंसानी शरीर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम स्थिति में यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए ऐसी स्थिति तक वो 12G तक जी फोर्स सह सकता है और ये अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तब उन पर 3G का जी फोर्स लगता है। और अब आपको लगता होगा कि अगर इंसान 12G का जी फोर्स सह सकता है तो ये 3G का कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो दोस्तों याद रहे कि जो मैंने 12G की बात की वो एक्सट्रीम स्थिति की बात थी, नॉर्मल स्थिति में भी दोस्तों 3G का जी फोर्स बहुत ही खतरनाक होता है। 3G के जी फोर्स सहने के दौरान आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनना या देखना बंद हो जाता है, पूरे शरीर में दबाव महसूस होता है और खून माथे पे चला जाता है और इस परिस्थिति में कई अंतरिक्ष यात्री बेहोश भी हो जाते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। और अगर कैप्सूल में बैठा हुआ अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गया तो कैप्सूल को संभालेगा कौन, और इस परिस्थिति में उसका पतन निश्चित है। इस तरह दोस्तों जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो वो आखिरी 30 मिनट उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं और यही 30 मिनट तय करते हैं कि मिशन फेल गया या फिर सक्सेसफुल हो गया।
तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।